नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी भारत, ये न्यूज टाइम। रामनवमी पर मुख्यमंत्री योगी ने किया कन्या पूजन, गोरखनाथ मंदिर पर विधि विधान से पांव पखारे, फिर चुनरी उड़ाकर खिलाया खाना और दक्षिणा देकर लिया आशीर्वाद। रामनवमी पर अयोध्या में दिखा भक्तों का सैलाब, राम मंदिर में सूरज की किरणों से हुआ रामलला का सूर्याभिषेक, राम भक्तों ने सरयू में लगाई डुबकी। रामनवमी पर अयोध्या में दिखा भव्य नजारा, पीएम मोदी ने कहा 500 साल बाद ऐसी रामनवमी आई जब भगवान राम अयोध्या में विराजमान है। गाजियाबाद में बीजेपी पर बरसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, पीएम नरेंद्र मोदी को बताया भ्रष्टाचार का चैंपियन, कहा लोकसभा चुनाव में 150 सीटों में सिमट जाएगी बीजेपी। सहारनपुर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने की जनसभा, रैली के बाद किया रोड शो, प्रियंका गांधी को मिला राजपूतों का समर्थन। लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने दिया अखिलेश यादव को बड़ा झटका, मैनपुरी सीट पर उतारा यादव उम्मीदवार, यादव वोट कटने की संभावना के कारण डिंपल यादव की मुश्किलें बढ़ी। चुनाव प्रचार के दौरान मैनपुरी में डिंपल यादव का बेजुबानों के प्रति दिखा प्रेम, मैनपुरी में वोट मांगने पहुंची डिंपल ने डॉगी को किया दुलार, फोटो सोशल मीडिया पर चर्चा का सबब बनी। प्रयागराज के शाहगंज इलाके की एक लॉज में मिले महिला और पुरुष कांस्टेबल के शव, दोनों पुलिसकर्मी पहले एक ही दफ्तर में तैनात थे, दोनों में थी गहरी दोस्ती। भदोही में जमीन के लिए एक साल पहले गला काट कर की थी बड़े भाई की हत्या, अदालत ने छोटे भाई को सबूतों और बयानों के आधार पर माना दोषी, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। यूपी में 8वीं क्लास तक के सरकारी स्कूल सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक ही खोलेंगे, एजुकेशन डायरेक्टर ने जारी किया आदेश, शैक्षणिक कैलेंडर फॉलो न करने पर होगा एक्शन। ज्यादा खबरों के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।